टुडे मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ, हम मौजूद हैं रीवा के एनसीसी मैदान में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की किसान सम्मेलन को लेकर रीवा और शहडोल संभाग के किसानों की एक सभा हो रही है, जिस पर किसान कानून को लेकर जो भी बातें हैं उनको यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उसको आज बताने आए हैं। हम आपको आइए लेकर सीधे चलते हैं और दिखाते हैं दोनों ने अपने भाषणों में किसान सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहा। क्या संबंध है तुम्हारा खेती से, क्या संबंध है तुम्हारा किसानों से? आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आधार वापसी के लिए आप आकर के खड़े हो रहे हैं, उनका आधार वापस करेंगे। अरे अभी तो आप आधार वापसी की बात कर रहे हैं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, ऐसी देशघातक ताकतों के अवार्ड ये वापसी नहीं, इनसे छीन लेना चाहिए। ये अवार्ड इनसे वापस करो, तो इस देश के अंदर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं। ये लोग कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन मित्रों में रीवा संभाग और शहडोल संभाग के मेरे किसान मित्रों को बताना चाहता हूं, देश के कृषि मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी रहेगी और देश के अंदर कोई भी मंडी बंद नहीं होगी, सरकार की मंडी जारी तो रहेगी, किसान के लिए और सुविधा देने का काम भारतीय जनता नेता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये ब्याज की गठरी किसानों के सर से उतारेंगे तो हम उतारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। ये उपाय करने की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं दे दिक्कत थी इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कोरोना से निपटने के साथ साथ जब मैंने फाइलें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था, वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाइयों आपसे पूछा जाता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है बताओ? अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? पैसे खा गए किसानों की बात करते हो? हमने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए, ये भारतीय। आज ये किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट उनका पैसे नहीं दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, बताओ इस कानून में कोई जरन बात है क्या? जोर से बताओ, पीछे तक जरन बात है क्या? ये किसान विरोधी है क्या? काहे को राहुल बाबा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? किसानों के कंधे पे रक्त बंधु चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे झूठो जरा तो शर्म करो, ये बिल पैदी के लोटे कांग्रेसी ये खुदा ना कानून बनाए, लेकिन हमें सुनाए गए दिग्विजय और कमलनाथ उपवास करने वाले और उपवास करने वाले किसानों के साथ अन्याय हो गया किसान का जीवन। हाँ उपवास तो करना चाहिए, लेकिन दिग्गी राजा तुम्हें उपवास इसलिए करना चाहिए कि तुम थे 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिल्म की धरा पर तुमने बाण सागर पूरा नहीं किया, की धरती को वर्षों तक सूखा रखने का अपराध और पाप किया तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस और कमलनाथ तुमने किया। तुमने नर्मदा जी का पानी इंदौर की मालवा की धरती पर नहीं आने दिया, तुमने ग्वालियर को सूखा रखा, तुमने बुंदेलखंड को सूखा रखा,
और कमलनाथ तुम उपवास करोगे, जो जनता का हक है खा गए, कर्जा माफी के एक बदल गए, और इनने भी उनने भी कही थी दिल्ली वालों ने राहुल बाबा 10 दिन में सब दबा, उस चक्कर में कई ने मिला नहीं तो रेगुलर डिफाइटर हो गए, कर्जा माफ हुआ नहीं, ब्याज की गठरी सर पे धर दी। अरे तुमने तो पाप किया, प्लास्टिक करो, भूखे रहो, निशान है तीनों किसान कानूनों के साथ है, और मीडिया के मित्रों, अरे आपको कैमरा किसान आदमी को डाके तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, और दुनिया को बता दीजिए हम मोदी जी के साथ हैं, किसान कानून अच्छे हैं, हम सब किसान कानूनों के साथ हैं। एक बार घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।